यहाँ से जो नेक्स्ट जर्नी है वो है केदारनाथ की, यानी कि तीसरे धाम की, लेकिन केदारनाथ आज तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि अप्रॉक्स 350 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो देखते हैं आज कहाँ तक जा सकते हैं, और वहीं पे हॉल्ट लिया जाएगा, स्टे किया जाएगा और फिर आगे की यात्रा जारी होगी। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं। फाइनली ऑल सेट, यात्रा की शुरुआत करते हैं। गंगा मैया की जय। और मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, और यह गंगोत्री की मंदिर जाने वाले रास्ते में सब दुकानें लगी हुई हैं। और ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड, जहाँ बस टैक्सियाँ ला के आपको रोक देंगी। और यहाँ से मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 500 से 700 मीटर होगा। और यहाँ पे ढेर सारे व्हील चेयर भी हैं और उसको चलाने वाले लोग भी, तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलने में तो आप व्हील चेयर पर बैठ के जा सकते हैं। और आज का टारगेट है घनसाली। कोशिश करूँगा मैं कि घनसाली तक चला जाए कम से कम, नहीं तो काफ़ी ये देखिए ऐसे लेके खड़े रहते हैं ढेर सारे, और बस वगैरह आके रुकती है यहाँ पे। बाइक तो मेरा थोड़ा और अंदर चला गया था, होटल वाले ने बोला भाई यहीं बाइक लगा दो, रूम देख लो। तो रूम मुझे मिला था यहाँ पे 400 रुपये का, काफ़ी था, डिसेंट था, रूम था, सिंगल अकेले रहने के लिए काफ़ी था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भैरव घाटी, प्राचीन भैरव मंदिर। तो यह है भैरव घाटी का वो भैरव मंदिर। और भाई ठंड की बात की जाए तो एकदम ऐसा लग रहा है कि चिल्ड हो गया है मौसम, और नीचे घाटियों में पूरा फॉग जमे हैं, मौसम बिल्कुल ही ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है इसीलिए मैं चल पा रहा हूँ। और माय गॉड ऊपर देखो, समझ में नहीं आ रहा है, पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे हैं, इतने फॉग हो रखे हैं। फिर भी गंगा मैया और भोलेनाथ का नाम लेकर मैं चल रहा हूँ, आशीर्वाद उनका बना रहे हम पर भी और आप सब पर भी। ये देखिए पहाड़ी बकरियाँ हैं, कुछ भेड़ भी हैं, बाल बड़े बड़े हैं। जय जय। जय जय जय। एकदम लंबा लगा दिए एकदम, चलो चलो आओ आओ मत करो, चलो हुड़े। अभी तो जस्ट हर्षिल पार ही किया है और उसके बाद इतना बड़ा ट्रैफिक, आधे घंटे से ऐसे ही खड़ा हूँ मैं और इन वादियों को देख रहा हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग गंगनानी पहुँचने वाले हैं, और पानी इतना सारा गिर रहा है ऊपर से, बारिश हुआ है, इधर भी वाटरफॉल है और खूबसूरत सा ब्रीज। तो फाइनली एक ब्रेक ले लिया है, सुबह से सिर्फ डार्क चॉकलेट खा के और पानी पी के चला था। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ गंगनानी, और यहाँ से अभी उत्तरकाशी लगभग 40 किलोमीटर है, और यहाँ रुका हूँ थोड़ा सा, चाय पराठा वगैरह कुछ खाऊंगा, फिर यहाँ से फिर निकलूँगा। और बारिश तो हो ही रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जब से चला हूँ तब से बारिश 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 हो ही रही है। बस यही है कि बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है तो कुछ राहत है, वरना अपने तो वाट लग जाते हैं। खैर चलिए मैं नाश्ता करता हूँ, तब तक आप ये एंजॉय करिए। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया। चलिए ये था गंगनानी, अभी भी उत्तरकाशी अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है यहाँ से। गंगोत्री से गंगनानी आने में हमको 3 घंटे लग गए।
आराम आराम से चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो फाइनली अभी हम लोग मनेरी में हैं और रास्ते में ही देखिएगा तो भागीरथी नदी के जस्ट बगल में एक विशाल शंकर जी की प्रतिमा मिलेगी। ये देखिए, वाह, दिख रहा होगा शायद आपको, ढेर सारी मूर्तियां बनी हुई हैं इस साइड इस साइड। गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं। अच्छा, तो फिर फाइनली मतलब जाते टाइम भी मैं आपको दिखलाया था मनेरी डैम का पानी, और आते वक्त भी हम पहुंच गए हैं मनेरी डैम। और भाई मतलब एक अलग सी यहाँ पे वाइब आ जाती है, आते ही इतने फोर्स में पानी कभी देखा ही नहीं है मैं। फिर से 5 मिनट का ब्रेक। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, मस्त में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली हाँ, उत्तरकाशी में थोड़ा ब्रेक व्रेक चेक करा लिया, कम लग रहा था, टाइट करा लिया कैसे। सही है अब ब्रेक व्रेक। और उत्तरकाशी से आप दो रास्ते हैं, एक ब्रिज है उसको मैं क्रॉस करके केदारनाथ के लिए चला जाऊंगा, और एक सीधा है जो यमुनोत्री ऋषिकेश हरिद्वार चला जाएगा। हमें जाना है केदारनाथ, केदारनाथ ऋषिकेश देहरादून। पूछ लेता हूँ केदारनाथ। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो फाइनली आगे उत्तरकाशी है और एक ब्रिज है यहाँ पे पीछे ही, और उन्होंने बोला कि बाएं चलते जाना पहुंच जाओगे। और इधर बारिश तेज होने लगी। चलिए फाइनली उत्तरकाशी से हम निकल गए हैं केदारनाथ के रास्ते में। हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, मौसम साफ हो जाए, रास्ते अच्छे मिल जाए, और क्या चाहिए भाई। ये व्यू देखो, ये पूरा उत्तरकाशी है सिटी, और गजब के व्यू आ रहे हैं। और ये भागीरथी नदी, और पूरे पहाड़ पे क्लाउड क्लाउड हो रखे हैं, और सुंदर सा सिटी घाटी में बसा हुआ, और ये मैं। पानी बहुत तेजों की हो गई है, और ये देखो अलग ही टसन है भाई। यहाँ पे प्रॉब्लम है, लग रहा है पूरे मिट्टी आ गई है रोड पे, और ये सफाई चल रहा है, दोनों तरफ भरपूर ट्रैफिक हो गया है। किसी तरह निकल निकल के आगे तो लाया मैं, और देखते हैं कितने देर में खाली होती है। फाइनली रास्ता मिला। Thank you.
यहाँ से दो रूट हो जाते हैं और आपको ऊपर जाना है घनसाली की तरफ और केदारनाथ यहाँ से 183 किलोमीटर है। और कुछ भाई लोग हैं, आप लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमंत बिष्ट। सुमंत बिष्ट, तो इनका सुमंत बिष्ट नाम है। ब्लॉगिंग वगैरह ना? अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है, फिर मैं निकलूँ। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। तो फाइनली अभी घनसाली 50 किलोमीटर यहाँ से। भाई इधर की खूबसूरती ही अलग है, इतनी मेहनत सिर्फ ये खूबसूरती देखने के लिए। भाई अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, गजब के खूबसूरत है ये, मतलब अल्टीमेट है। मतलब बादलों बादलों में चल रहे हैं और भाई क्या बताएं, बस फाइनली हम आ गए हैं चमियाला मार्केट। काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, लेकिन मेरे गाड़ी में तो अभी पेट्रोल है। ये रहा पेट्रोल पंप और काफ़ी बड़ा मार्केट है चमियाला। तो केदारनाथ अभी यहाँ से 192 किलोमीटर है और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घनसाली, और काफ़ी बड़ा मार्केट है ये भी। तो फाइनली अब हम लोग हैं केदारनाथ मेन रोड पे। जो ये रोड हमको मिला घनसाली में, घनसाली से फिर ये रोड सीधा केदारनाथ। लगभग 5 बज गए हैं, 5:30, और कहीं होम स्टे दिख नहीं रहा है। चलिए देखते। तो फाइनली आज का स्टे मिल गया। भैया हैं यहाँ पे सामने ही बैठे हुए थे और दुकान भी है इनकी, तो मैं सोचा कि थोड़ा चाय पी लूँगा और पूछ भी लूँगा कि आज, क्योंकि अब शाम हो रही थी, घनसाली से चला था तो लगभग 11 किलोमीटर आ गया हूँ, तो सोचा कि अब पावली जगह है जैसे घनसाली से अब। और भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खजान सिंह। हाँ खजान सिंह है। तो फाइनली आज का स्टे मिल गया है और आज अगर मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री से चला था और पूरे दिन भर आज बारिश में, और बारिश में पैर की हालत कुछ ऐसी हो गई है, पूरा वाइट हो गया है और कुछ ऐसा है खूबसूरत सा होम स्टे। बैठ के मैं सामने व्यूज देख रहा हूँ और ये रूम मिला है कुछ ऐसा, और ये रूम मुझे पड़ा है 400 का। उन्होंने बोला 500, तो मैं बोला भैया थोड़ा कम कर दो, तो बोले 400। तो चलिए थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, कुछ खाते होते हैं और तब तक आप ये व्यूज एंजॉय करिए। अच्छा हुआ कि मैं रुक गया और
खाना वाना खा लिया है और बहुत तेजों की बाहर बारिश हो रही है। चलिए तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमेशा आपको मिलते रहे और आप इंजॉय करते रहें।